विमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि हर्तुं कुम्भे विनीतकर स्वादुहय्यं गवीनं दृष्ट्वा दामग्रहण चटुलां मातरं जातरोषां पायादीशक् प्रचलित पथो नापगच्छन् तिष्ठन् मिथ्या गोपस्सपदि नयने मिलयन् विश्वगोप्ताम्। ये पांचवा श्लोक है गोपाल विंशति ग्रंथ में, 20 श्लोक में ये पांचवा श्लोक है। हर्तुम कुंभे विनिहित करहा, हर्तुम कुंभे विनिहित करहा स्वादु हय्यंगवीनम दृष्ट्वा दामग्रहण चटुलाम मातरम जातरोषाम पायात ईषत् प्रचलित पदहा न अपगच्छन् न तिष्ठन् न तिष्ठन् मिथ्या गोपहा सपदि नयने मिलयन् विश्वगोप्ता। ऐसा पदच्छेद है। भगवान माखन चोर ऐसे तो नॉर्थ इंडिया में सब लोगों से प्रेम से पुकारे जाते हैं। वो माखन चोर क्या किए थे, एक बार चोरी करने के लिए बर्तन के अंदर घटा के अंदर माखन के घटा के अंदर हाथ डाल दिए थे। हर्तुम कुंभे विनिहित करह स्वादु हय्यंगवीनम, बहुत मीठा मीठा जो हय्यंगवीन है, हय्यंगवीन का मतलब माखन है, उसे हर्तुम अपहार करने के लिए, उसे चोरी करके खाने के लिए विनिहित करहा उस गढ़ में, कुंभे विनिहित करहा हर्तुम कुंभे कुंभ में भांड में बर्तन में मिट्टी के बर्तन में अपना हाथ डाल दिए थे। ये क्या है, उसी समय पर देख ली है, कॉटिन एक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, सही समय पर चोरी करते वक्त पकड़े जाने वाला चोर को कॉटिन एक्ट बोलते हैं। उसी प्रकार भगवान चोरी करते वक्त पकड़े गए हैं। तब तक यशोदा मैया तो सुनी थी, बहुत जगह पे चोरी करते हैं, माखन चोर करते हैं, माखन चोरी करते हैं, ये माखन चोर ऐसा नाम भी प्रसिद्ध हो गया, परंतु स्वयं तो कभी नहीं देखी। इसलिए सब लोगों के सामने अपनी अपने बेटे के लिए बहुत ही सपोर्टिव बात कर रही थी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, आप लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा बोलती थी। आज ऐसा हुआ संयोग की वो देख ली स्वयं। वो भगवान की लीला है, माया है, कि एक दिन पकड़े जाना तो है, एक चोर कभी भी पकड़ा जाएगा, 7 दिन से ज्यादा नहीं चलता है, ऐसा एक कहावत भी है भाषा में, किसी न किसी भाषा में, कहावत तो हर भाषा में होनी ऐसी जरूरत नहीं है, तमिल भाषा में बोलते हैं ज्यादा दिन चोर नहीं बच सकता है, बहुत दिन का चोर भी एक दिन पकड़ा जाएगा, पलनाल त्रिडन उरनाल पिडी पड़वान तमिल भाषा में बोलते हैं। उसी प्रकार भगवान की चोरी माताजी से देखी गई, यानी साक्षात देख ली। तब दृष्ट्वा अचानक ऐसा सही निकला सब लोगों का कहना, इसलिए उसने तुरंत दंड देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। दंड देने की प्रक्रिया क्या है, एक रस्सी लेके आकर उसे एक पत्थर में बांधने का काम शुरू कर दी। वो सामान्य पत्थर नहीं है, दामग्रहण चटुलाम मातरम, वो बहुत बड़ा रस्सी लेने में उतावल करने वाली वो माताजी को देखकर, मातरम जातरोषाम दृष्ट्वा, जातरोषाम मातरम दृष्ट्वा दामग्रहण चटुलाम मातरम जातरोषाम दृष्ट्वा, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, दृष्ट्वा दामग्रहण चटुलाम दृष्ट्वा यानी हय्यंगवीनम हर्तुम कुंभे विनिहित करहा सहा दृष्ट्वा दामग्रहण चटुलाम, उसे देखकर दामग्रहण में चटुल, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, अथवा उसे भगवान ने देख लिया, यानी वो दामग्रहण में चटुलता दिखाती है, यानी उतावल दिखाती है।
जल्दी दाम वो रस्सी लेके आओ, रस्सी लेके आओ, स्वयं भी ढूंढने लगी। और क्योंकि वो ज्यादा रोषा है, बहुत गुस्सा आ गई। ऐसे माता जी को देखकर ईषद प्रचलित पद, हाँ थोड़ा सा आगे निकलने के लिए कोशिश तो किए परंतु आगे भी नहीं निकल पाए। न अपगच्छन न तिष्ठन, वहां खड़े भी नहीं रह पाए। दौड़ रहे हैं परंतु उसी जगह पे दौड़ रहे हैं, क्योंकि अचानक डर के मारे जब दौड़ेंगे और उसी जगह पे दौड़ेंगे कि आगे भी नहीं चल पाएंगे न तो चुप रह पाएंगे। इसलिए उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई, न तो दौड़ सकते हैं, सब लोगों को पता चल जाएगा इसलिए बाहर भी नहीं दौड़ सकते हैं, बाहर भी आएगी, चुप भी नहीं रह सकते इसलिए वही दौड़ रहे हैं। नापगच्छन् न तिष्ठन् मिथ्या गोपः, और क्योंकि वस्तुतः ये गोप नहीं है, भगवान है। ऑलरेडी एक बहुत बड़ी चोरी है इन्होंने छुपा रखा है कि भगवान का भाव जो है, खुद भगवान है ऐसी भावना को छुपाकर ऑलरेडी चोरी कर रहे हैं। और ऐसे मिथ्या गोपः, और वस्तुतः गोप नहीं है, सब लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि मैं गोप हूँ, ऐसी गोप वेश में आए हैं। ऐसे चोर, बड़ा चोर ने क्या किया, सपरी नए नए मिले विश्वगुप्त का पर तुरंत आंख बंद कर ली। बाद में क्या होगा वो देखा जाएगा, कि अभी तो मैं न तो निकल पाता हूँ न तो रुक पाता हूँ, ये परिस्थिति है। क्या मतलब, पकड़ा तो जाऊंगा, तब जाओ होगा होगा, मारपीट तो होगी, मुझे बांध देंगे, सब कुछ मैं स्वयं क्यों देखूं, ऐसा करके आंख बंद कर लिए हैं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कोई बच्चे ड्रेस सही ढंग से पहन के नहीं आए हैं, लोग शेम शेम बोलते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, जो होगा होगा देखा जाए। वैसे इधर भी क्या हुआ, भगवान को बांधने वाले हैं, रस्सी निकाल के ला रहे हैं, रस्सी से मार भी सकते हैं, सब कुछ जो होगा वो क्यों मैं क्यों देखूं, मैं आंख बंद कर लिए। मिलयन विश्वगुप्ता, नए नए मिलयन विश्वगुप्ता, मिथ्या गोपहान नयने मिलयन, और एक दूसरा भी मतलब है, नयने मिलयन पायात, आंख को बंद करते हुए भगवान मेरा रक्षा, मेरी रक्षा करें। मिथ्या गोप, मिथ्या से गोप वेश में आए हैं, मिथ्या गोप, वस्तुतः गोप नहीं है, वस्तुतः ब्रह्म तत्व है, परमात्मा है, उपनिषद प्रतिपाद्य है, और मुक्त लोग जब सब लोग मुक्त भोग्य है, वो नित्यों से नित्य आराधित है, श्री वैकुंठवासी भगवान मिथ्या गोप के रूप से आए हैं। ऐसे भगवान नए नए मिलयन, आंख को बंद करके मेरी रक्षा करें। पायात, दूसरा भी मतलब निकलता है, आंख बंद करके रक्षा करें, क्योंकि वो क्यों आंख बंद किए हैं, उसका कारण तो ये है कि वो जो होगा देखा जाएगा, और मैं तो पहले तो आंख को बंद कर लो, जो होगा और मारेंगे या अथवा रस्सी से बांध देंगे कहीं, देख लेंगे, परंतु आंख बंद करें तब जाकर मेरी रक्षा भी हो सकती है। वो भले चोर है, मैं तो उससे बड़ा चोर हूँ, अपराध चक्रवर्ती अहमस्मि अपराध चक्रवर्ती, वो भले चोरी करते, मैं तो आत्मापहार करता हूँ, मैं मेरा हूँ ऐसी भावना से रहता हूँ, परमात्मा के लिए ये आत्मा शेषभूत है, परंतु उसी को भूलकर मैं मेरा आत्मा ऐसा समझ रहा हूँ ना, वो बड़ा महान अपराध है। वो तो छोटा अपराध करके इतना आंख बंद करते हैं, मेरा बड़ा अपराध के लिए मैं क्या करूं, वो ही आंख बंद कर ले तब जाकर मेरे लिए रक्षा होगी, अगर आंख बंद करके बिना रहेंगे तो मेरी भी रक्षा नहीं होगी। इसलिए विश्वगुप्ता नए नए मिलयन विश्वगुप्ता पायात, मेरा दोष के लिए भी एक बार फिर से बंद करना ही होगा, तो एक बार जब बंद किए हैं तभी मेरी रक्षण करें, यह भी अर्थ निकलता है। और श्लोक को फिर से पढ़ेंगे, हर तुम कुंभे विनिहित करहान स्वादुहैयंगवीनं दृष्ट्वा दामग्रहण चटुलां मातरं जातरोषां पायादीशत् प्रचलित पदः नापगच्छन् न तिष्ठन् मिथ्या गोपः सपदि नयने मिलयन् विश्वगोप्तां व्रज योषितपाङ्गवेदनीयं मधुराभाग्यमनन्य भोग्यमीडे वसुदेव वधूस्तनं भयं तत् किमपि ब्रह्म किशोर भाव दृश्यम्।
सत्ता श्लोक है। ब्रजयोषित पांडवेदनीयम् एक पद से मथुरा भाग्यम अनन्य भोग्यम ईदे वसुदेव वधूस्तनन्धयम् तत् किमपि ब्रह्म किशोर भाव दृश्यम्। ब्रजयोषित पांडवेदनीयम् मथुरा भाग्यम अनन्य भोग्यम ईडे यही क्रियापद है। ईडे ईड स्तुतम ऐसा धातु है। ईड स्तोत्र करना ये अर्थ में ईड धातु होता है। ईड ईडी महि महा ऐसा ईडी महि ईड ईड ईडे ईडी वहे ईडी महि ऐसा शब्द प्रयोग होता है। यानी प्रार्थना करता हूँ अथवा स्तोत्र करता हूँ इसका मतलब है। ईड स्तुतो स्तोत्र करता हूँ। किसकी किसका स्तोत्र करता हूँ किसको स्तोत्र करता हूँ ऐसा प्रश्न आएगा तो ब्रजयोषितपांगवेदनीयम्। ब्रजयोषित दलाल अर्थात ब्रज में स्थित गोकुल में स्थित जो योषित हैं गोपस्त्रियां हैं उनके अपांग आंक से वेदनीयम यानी वेदनीयम का दो मतलब है। आंक से वेदनीयम का मतलब है वेदनीयम बोलना है। आंक से ही जानने लायक ऐसा अर्थ है तो वेदनीयम बोलना है। वेदनीयम का मतलब है अगर वही बाण है तो उस बाण से वेदन करने लायक मारने लायक वही उन वो लोग अपने आंकों से मारने लायक तो मतलब है आंक मारना शब्द तो बहुत प्रसिद्ध है। तो ब्रजयोषित पांग वेदनीयम मथुरा भाग्यम मथुरा का भाग्य है। मथुरा संपूर्ण मथुरा मिलकर जो तपस्या की है उसका फलीभूत है ये भगवान मथुरा वृंदावन में विराजमान है। मथुरा भाग्यम अनन्य भोग्यम बाकी किसी से ही भोग्य नहीं है। मथुरा वृंदावन वासी ब्रजयोषितों से ही भोग्य है उन्हीं से अनुभव करने योग्य है। वसुदेव वधु स्तनंदयम वसुदेव वधु वसुदेव की पत्नी का स्तनंदयम देवकी स्तनंदयम उनसे उनसे स्तन्यपान की हुई देवता है। तत् किमपि ब्रह्म है वो और सामान्य व्यक्ति नहीं है किमपि ब्रह्म है ब्रह्म ही ऐसे भावना से आई। किशोर भाव दृश्यम और किशोर भाव में अर्थात छोटा सा बचपन बचपना में दृश्य अत्यद्भुत है देखने लायक है। और बड़े होने के बाद कृष्ण तो इतने देखने लायक नहीं है जितने देखने लायक बचपन में थे। और भगवान को बचपन का स्वरूप ही लोगों को बहुत पसंद है। वल्लभाचार्य जी को वल्लभाचार्य जी भगवान का छोटा स्वरूप जो है बालक स्वरूप उसी का की उपासना के लिए कहते हैं अर्थात बाल भाव अच्छा किशोर भाव। उस किशोर भाव की वजह से बहुत दृश्य देखने लायक बनने वाले ये जो देवता तत्व है जो ब्रजयोषित पांग वेदनीयम मथुरा का भाग्य है अनन्य भोग्य है अभी किसी और किसी से भोग्य नहीं है और ब्रजयोषितों को ही अनुभव करने योग्य है। ऐसे वसुदेव वधु स्तनंदयम वसुदेव के पत्नी स्तन्यपान पत्नी से स्तन्यपान की गई की हुई ये देवता किमपि ब्रह्म है किशोर भाव की वजह से अभी दृश्य बनी है। अगर ये किशोर भाव नहीं ली होगी तो किसी को दृश्य नहीं बनी होगी ये ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म स्वयं अपनी दया की वजह से और इधर आकर हमारी प्रार्थना को सुनकर कई आचार्यों की प्रार्थना को सुनकर ये बाल भाव को प्राप्त कर किशोर भाव को प्राप्त करके हमारे लिए दृश्य बनी है ऐसा ये श्लोक है। भले उस दिन में हम नहीं रहे तो भी आज भी भगवान का चित्र हमारे लिए उस दिन में जैसा था वैसे ही दृश्य बन गया है। ब्रजयोषित पांग वेदनीयम मथुरा भाग्यम अनन्य भोग्यमीडे वसुदेव वधूस्तनंदयम तत् किमपि ब्रह्म किशोर भाव दृश्यम परिवर्तित कंधरम भयेन स्मित फुल्लाधर पल्लवम स्मरामि विटपित्व निरासकम कयोश्चित विपुलो लोकलकर्षकम कुमारम परिवर्तित कंठरम भयेन स्मित पुल्लाधर पल्लवम स्मरामि विटपित्व निरासकम कयोश्चित विपुलो लोकलकर्षकम कुमारम। जब साक्षात देख ली
यशोदा मैया ने जब बांध ली एक बड़ा पत्थर में, वो पत्थर तो उलूखल निकला और उलूखल में बांध ली, तुरंत उलूखल को कर्षण करके निकल पड़े, उलूखल को भी खींच के निकल गए भगवान। परिवर्तित कंठरम, बयेन परिवर्तित कंठरम, विपुल उलूखल कर्षकम, बहुत बड़ा जो उलूखल है, विपुल उलूखल कर्षकम, उसको खींचने वाले विपुलोलूखल कर्षकम, परिवर्तित कंठरम, भयेन परिवर्तित कंठरम, डर के मारे अपने कंधे को उस तरफ, यशोदा की तरफ नहीं है, दूसरी तरफ परिवर्तन करके मुड़ के खड़े हैं। स्मित पुल्लादर पल्लवम, भले यहाँ डर जैसा दिखाई दे रहा है परंतु उस तरफ देखकर हंस रहे हैं, और क्योंकि माता जी कितना भी बांधे तो बांधने का काम तो कर नहीं सकती है, उसको कौन बांध सकता है, वो बंधन में सबको, सबको बंधन से मुक्त करने वाला स्वयं बंधित होने के लिए चाहेगा क्या? तो जो चेतनों को बंधित, बंधन की परिस्थिति से बाहर लाता है, हमें मोक्ष दिलाता है, वैसे व्यक्ति स्वयं बंधित होगा क्या? और उनको पूर्ण, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वयं बंधित जैसा नाटक करने लगे, ठीक है बंधित तो हो गया हूँ, थोड़ा ठीक है एक अच्छा काम करें। लेकर वहां यमल और अर्जुन नामक दो यमल अर्जुन दृष्ट बालक ऐसा आगे के श्लोक में कहने वाले हैं, और विपुल बड़ा जो उलूखल है उसको खींच रहे हैं, और कयोश्चित किसी दो लोगों का अर्थात यमल और अर्जुनों का विटपित्व निराशकम, वो उनका एक वृक्षत्व, वृक्ष रूपी अवस्था में रहने की परिस्थिति जो थी उनको शाप की वजह से, और उस विटपित्व को अर्थात उस वृक्षत्व को निराश करके उन दोनों को यक्ष बनाने वाले एक स्वरूप जो है, भयेन स्मितपुल्लादर पल्लवम स्मरामी, भयेन डर की वजह से परिवर्तित कंठरम, उस ओर मुड़के और मुस्कुराते हुए उस भगवान को मैं ध्यान करता हूँ, स्मरामी स्मरण करता हूँ, क्योंकि यद्यपि मैंने उसे भागवत जी में पढ़ा है तो भी अभी स्मरण करता हूँ, इसका मतलब है परिवर्तित कंठरम भयेन स्मितपुल्लादर पल्लवम स्मरामी विटपित्व निराशकम कयोश्चित, कयोश्चित सैदर किसी दो लोगों का ऐसा ही बताए हैं, यद्यपि अगले के श्लोक में दोनों का नाम यमल अर्जुन शब्द से कहते हैं, कयोश्चित विपुलो लोखल कर्षकम कुमारम, और एक बार श्लोक पढ़ेंगे और आगे के श्लोक में चले जाएंगे, परिवर्तित कंठरम भयेन स्मित पुल्लादर पल्लवम स्मरामी विटपित्व निराशकम कयोश्चित विपुलो लोखल कर्षकम कुमारम, निकटेषु निशामयामि नित्यं निगमान्तैरधुनापि मृग्यमानं यमलार्जुन दृष्टबालकेलिं यमुना साक्षिकयौवनं युवानं, निगमान्तैः अधुनापि मृग्यमानं, वेद अभी भी ढूंढ रहा है जिनको, वेदंगल तो टेडियोडी काणमाटार चेल्वन ऐसा आलवार कहते हैं, वेद जितना भी ढूंढे तो भी भगवान को निकाल नहीं पाए, वेदांत देशिक जी स्वयं यादव विदेव में कहते हैं इसी भगवान की लीलाओं का वर्णन करने वाला महाकाव्य लिखे हैं, यहाँ तो 20 श्लोक में श्लोक रूप में स्तुति रूप में संक्षिप्त वर्णन करते हैं, उसी को विस्तार से 25 सर्गों में विभाग करके एक एक सर्ग में 100 से अधिक श्लोकों के द्वारा जो महाकाव्य रचित किया गया है वहां कहते हैं, वितथा वेद पांथानाम यत्र सायं गृहा गति, और संपूर्ण वेद रात को थोड़ी देर ही हम रेस्ट करेंगे तब तक हम भगवान को ढूंढते रहेंगे, ऐसा बोलकर जो ढूंढने वाला वेद भी आज तक भगवान को स्पर्श नहीं कर पाया, भगवान को ढूंढ नहीं पाया, आंख से भी स्पर्शन नहीं कर पाया, ऐसे भगवान अर्थात निगमांत ही वेदांतों से अधुना भी आज भी उपनिषद जिनको खोज रहा है परंतु हो नहीं पा रहा है, ते शतम मानुषा आनंदा है ऐसा शुरू करके
और मनुष्यानंद से बढ़कर देवानंद इत्यादि से बढ़कर तेषतम बोलकर स्वयं आगे बैठकर स्वयं रटन करता रहता है तेषतम, आज भी समाप्त नहीं कर पाया। और एक मनुष्यानंद को मापक दंड के रूप से रखकर युवाध्यायक आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठ यस्येयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंद, ऐसा एकदम छोटा उम्र का हो और अच्छा शरीर वाला हो, अध्ययन करता हुआ हो, आशिष्टः दृढ़िष्ठः बलिष्ठः, ऐसा वो दीर्घायुष्य वाला हो, शारीरिक दृढ़िमा हो, आत्मबल हो या आत्मदा बलदा यानी आत्मबल हो, सैको एम पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, जिसके पास दुनिया भर जहां भी जाए उसके पास उसका खुद का रकम हो, ऐसा व्यक्ति होता तो वो मनुष्यानंद कहा जाता है। ऐसा ये सौ मनुष्यानंद मिलकर एक अगंधर्व आनंद है, वो आनंद है, ऐसा बोलते 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 तेषतम बोलकर आज भी वेद जिनका आनंद को मापदंड स्केल बनाकर भी अभी तक समाप्त नहीं कर पाया बोलकर अकेले वेद बैठकर तेषतम बोलता रहता है, ऐसा वर्णन अन्यत्र आता है। आनंदमयोभ्यासात् सूत्र में सूत्रकार भी कहते हैं निगमान्तैर अधुनापि मृग्यमानम् यमलार्जुन दृष्ट बालकेलिम्, यमल और अर्जुन दोनों से, यमल अर्जुन दोनों से दृष्ट बालकेलिम्, देखा हुआ बालकेली वाला, जिनकी बालकेली के लिए साक्षी है, तीन तत्व है, एक यमल और अर्जुन है, दूसरा यमुना नदी है, यमुना साक्षी का यौवनम, उनका यौवन के लीलाओं के लिए भगवान गोपस्त्री के साथ जितने भी लीला किए हैं उसके लिए एक ही साक्षी आज भी विराजमान है, तो यमुना नदी है, क्योंकि वो कैसे है कि वो भी काला है, भगवान श्री कृष्ण का रंग जैसा ही काला हो गया, यमुना साक्षी का यौवनम, जिसका यौवन का साक्षी, जिस भगवान का यौवन किस आनंद से बिताया उसकी साक्षी एक ही एक है तो यमुना नदी है। युवानम, ऐसा युवा नित्य युवा जैसे विराजमान वो भगवान यमलार्जुन दृष्ट बालकेली, जिन यमलार्जुन से जिनकी बालकेलियां दृष्ट है और जिन्होंने उसके लिए साक्षीभूत रहे यमल और अर्जुन उनकी बालकेली के लिए, ऐसे निगमान्ते रघुनाथ विद्यमानम निशा नित्यम निकटेशु निशामयामी, निकटेशु निशामयामी का मतलब बहुत नजदीक में मैं सदा के लिए उनको सुनता रहता हूँ, नित्यम निकटेशु निशामयामी, मेरे आस पास में रहने वाले लोग भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही बोलते रहते हैं इसलिए उसको मैं नजदीक से सुनता हूँ भगवान को, ऐसा इधर नित्यम निशामयामी अर्थात निगमान्त ही अधुना मृग्यमानम यमलार्जुन दृष्ट बालकेलिम यमुना साक्षिक यौवनम युवानम निकटेशु नित्यम निशामयामी, सदा के लिए नजदीक में सुनता रहता हूँ का मतलब है सुनता हूँ, निशामयामी का मतलब है अनुभव करता हूँ, देखना सुनना अनुभव करना आनंद लेना सब अर्थ में निशामयामी का उपयोग करते हैं। निकटेशु निशामयामी नित्यम निगमान्तैर अधुना मृग्यमानम यमलार्जुन दृष्ट बालकेलिम यमुना साक्षिक यौवनम युवानम कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। दास